सभी हमारे पत्रकार भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के और सभी हमारे पोर्टल मीडिया के सभी साथी का आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि पूरे बिहार में हम लोगों ने यात्रा किया, जन विश्वास यात्रा, और हर जगह जो है लोगों का हुजूम, जगह जगह भर रास्ते, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, लोगों का आशीर्वाद, प्यार और विश्वास और ताकत लोगों ने दिया। इसके लिए हम सभी बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं आप लोगों के माध्यम से। और मात्र 10 दिनों के अंदर, यानी आप समझिए कि पिछले माह के 22 तारीख को ही हम लोगों ने ये तय किया था कि रैली हम लोग करेंगे, और 3 तारीख को रैली की गई, यानी केवल 10 दिनों के अंदर जन विश्वास महारैली हम लोगों ने किया। रैली के दिन खराब मौसम के बावजूद भी लाखों लाख के तादाद में लोग जुटे, एक ऐतिहासिक और एक सफल रैली का आयोजन किया गया। और आने वाले 2024 के चुनाव को देखते हुए बिहार की धरती ने एक ऐतिहासिक रैली के माध्यम से पूरे देश में संदेश दिया कि हमारा जो गठबंधन है, महागठबंधन, इंडिया का गठबंधन, ये मजबूत है और आने वाले समय में बिहार से हम सब लोग चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे। लोगों का जिस हिसाब से उत्साह था, एक एनर्जी थी, एक वाइब्रेंट रैली आप कह सकते था, बारिश हो रहा था लेकिन सुबह से लोग डटे हुए थे, शाम में 4 बजे रैली खत्म हुई, कोई जो है मैदान से हिला नहीं। जितना मैदान में लोग थे उससे ज्यादा सड़क पे लोग थे, तो एक ऐतिहासिक रैली हुआ। उन तमाम जनता को हम धन्यवाद देते हैं, सभी महागठबंधन के पार्टियों को, उनके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस सफलता के लिए। और आने वाला जो चुनाव होगा, साफ तौर पे जो हम लोगों ने लकीर खींची है, हम लोगों ने जिस हिसाब से 5 लाख नौकरियां, बहालियां निकाली है, नियुक्ति पत्र लाखों में बांटने का काम किया मात्र 17 महीनों में, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा देने का निर्णय हम लोगों ने कैबिनेट से लिया, स्वयं सहायक समूह, चाहे जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी महिला हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आशा दीदी हो, ममता दी हो, सभी लोगों के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय इन 17 महीनों में हम लोगों ने किया। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पॉलिसी के साथ साथ, आईटी पॉलिसी के साथ साथ, टूरिज्म पॉलिसी भी इस 17 महीने में हम लोगों ने लाया। जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत हम लोगों का था कि भाई जो खिलाड़ी मेडल लाएंगे, बिहार का, देश का नाम रोशन करेंगे, उनको भी हम लोगों ने नौकरियां दी। और हाईएस्ट लेवल है उस नियमावली में, डीएसपी के लेवल तक का नौकरी जो है लोगों को मिलेगा जैसा वो मेडल लाएंगे। तो खेल के साथ साथ जो पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोगों ने नौकरियां देने का काम, हम लोगों ने 17 महीने में लोगों के हाथ में कलम दिया। और वही बीजेपी के लोग केवल नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। अभी भी बड़ा सवाल उठता है कि भाई कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो, आखिर क्या वजह है, इतने महीने 1.5 महीना होने जा रहा है,
और अब तक जो है विस्तार नहीं हुआ, ना ही कोई होने की कोई सूचना किसी को है, तो आखिर मामला क्या है? खैर, ये सरकार में बैठे लोग जवाब देंगे, इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन सवाल उठता है कि ये सरकार बनी है केवल हम लोगों को गाली देने के लिए? कोई भी एक निर्णय जो है ये सरकार ले नहीं पा रही। जिस हिसाब से हम लोगों ने 17 महीने में निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिया, जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण के सीमाएं जिस हिसाब से बढ़ाई, नौकरियों की बात करते थे, देर देर रात बजे जाकर के अस्पताल में हम लोग छापा मारते थे, तो कहीं भी जो मौजूदा सरकार में लोग जो बैठे हैं उनका इंटरेस्ट जो है केवल लालू जी और उनके परिवार को गाली देने में ही है। एक डेढ़ महीना से कोई काम नहीं हो रहा, और जो बजट भी आया वो बजट में हम ही मंत्री लोगों का साइन था, जो केवल भाजपा के वित्त मंत्री जो हैं वो पढ़े, वो हम ही लोगों का काम का गुणगान जो है वो लोग कर रहे थे। ये बजट में देखे तो कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के थे, कांग्रेस के थे, तो हम ही मंत्रियों का साइन जो हम ही लोगों ने भेजा। खैर, ये बातें अलग हैं, लेकिन हम लोग पूरी मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में हम लोग लड़ेंगे, और बिहार से हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। तो इसीलिए आप सब लोगों को हम आज बुलाएं, ताकि आपके माध्यम से हम लोग बिहार की जनता को धन्यवाद दें। चाहे कोई वर्ग के हो, कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन इस रैली में रहा, तो इसलिए आप सब लोगों को भी यहाँ धन्यवाद देते हैं। अब कोई सवाल होगा तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं। तेजस्वी, एक सवाल है, तेजस्वी एक सवाल है, आप कहते हैं कि आप कलम बांटने का काम करते हैं और भाजपा वाले तलवार बांटने का काम करते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के एक नेता है ए राजा, उन्होंने कहा है कि भारत एक देश नहीं है, और अगर ये एक देश है तो एक भाषा और एक परंपरा ये होनी चाहिए, और उन्होंने आगे बढ़ने के बाद ये भी कहा कि रामायण पे वो भरोसा नहीं रखते हैं और राम सही नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये हम लोगों का। हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा अंतिम चरण में। इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ है वही है, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, तब की बात है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जितने महिलाओं का शोषण का आरोप है, उन्होंने भी कहा है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। अब देखिए, अब इस पे ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं, 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछले बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं, ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार, आपने कितने कारखाने, आपने महंगाई कम किया कि नहीं किया, आपने पलायन रोका कि नहीं रोका, आपने क्या इंडस्ट्री निवेश बिहार के लिए क्या लाया, आपको इस मुद्दों पर जो है कितनी गरीबी आपने हटाने का काम किया, आपको इन मुद्दों पर जो है लोगों को बात करनी।